हेलो यूट्यूब। तो आज हम इस एनालॉग वोल्टमीटर को खोल कर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर में है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए खोला जाए। सभी वोल्ट मीटर जो है एनालॉग वोल्ट मीटर एक ही तरीके से काम करता है। इसका वर्किंग बड़ा सिंपल है। पहले आप इस दोनों में फेज और न्यूट्रल जो है कनेक्शन देते हैं, उसके बाद फेज जो है डायरेक्ट सीरीज में, ये जो आप पीछे में देख रहे हैं बड़ा सा रेसिस्टर, इस रेसिस्टर से होके डायरेक्ट एक कॉइल से, यहाँ पर आपको हल्का सा कॉइल दिख रहा होगा, उस कॉइल से जो है डायरेक्ट इस कॉइल में जाता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको तांबा वाला, तांबे का ये कॉइल है। ये जो आपको चमकीला दिख रहा है यही है तांबे का कॉइल। और ये कॉइल, इस कॉइल में जब करंट आता है तो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसके बाद मैग्नेट जितना, मतलब मैग्नेट में जितना ज़्यादा करंट आता है उसी के हिसाब से वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाता है, और जितना ज़्यादा पावरफुल होता है वो नीडल को उतना ज़्यादा मूव कराता है। तो यहाँ पे नीडल को मूव तो कराता है वो राइट को, लेकिन उसको लेफ्ट में लाने के लिए जो है सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्प्रिंग की तरफ बना हुआ है। जैसे कि मैं नीडल मूव करता हूँ तो ये स्प्रिंग की तरफ बना हुआ है, ये इलास्टिक है, तो ये इसको लेफ्ट में लाता है और जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने फोर्स से इसको राइट में ले जाता है। और इसी के तरह जो है, मतलब इसी के हिसाब से जो है सो एक वोल्ट मीटर जो है सो काम करता है। रेसिस्टेंस जो है सो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि पहले मतलब मैग्नेट कैसा है। मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना पावरफुल होगा जो है सो रेसिस्टेंस उतना कम वैल्यू का होगा, मतलब सॉरी ज़्यादा वैल्यू का होगा, उल्टा बोल दिया सॉरी, उतना ज़्यादा वैल्यू का होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना मतलब कमज़ोर होगा और रेसिस्टेंस उतना मतलब उसका वैल्यू कम होगा। तो ये रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से। इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसी के हिसाब से रेसिस्टेंस लगाया जाता है, और वो मतलब उसको मतलब उसके बाद सीरीज में लगाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, और उसी के हिसाब से ये मतलब जो है सो वोल्ट मीटर काम करता है। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग। चलिए अब इसके बाद इसको फर्दर खोल के देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे छोटा छोटा पार्ट है। तो मैंने इसका स्केल निकाल दिया है, ये रहा स्केल जिसमें 0 से लेकर 300 तक का वैल्यू है। और आप अब देख सकते हैं कि ये भी निकल गया, ये पतला सा जो वायर है ये आप देख रहे होंगे, यही ये वायर कहाँ गया है आप देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ गया है मतलब लाइन में। और एक जो है सो एक वायर जो है सो डायरेक्ट गया है इस रेसिस्टेंस में, और यहाँ से रेसिस्टेंस का दूसरा वायर जो है सो निकल के ये फिर से पतला वायर जो है सो डायरेक्ट जो है सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में गया है। और ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, देख रहे हैं ये कितना सारा कॉइल इसमें लपेटा गया है। और ये जो है छोटा सा जो ये गोल गोल घुमा हुआ है, यही है इसका मतलब स्प्रिंग कह लीजिए, जो इसको मतलब लेफ्ट राइट में अगर आप मूव करते हैं तो ये इसको लेफ्ट में लाता है। तो इसी के तरह ये काम करता है बेसिकली, और इसमें कुछ है नहीं खास। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।